प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 7 गणित की प्रश्नावली 2.7 के प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। पहला भाग है 0.4/2, यानी आपने एक दशमलव संख्या में एक पूर्ण संख्या का भाग देना है। तो सर्वप्रथम हम 0.4 के दशमलव को हटाएंगे तो यह हो जाएगा 4/10। दशमलव हटाने का नियम यह है कि आपने देखना है दशमलव के बाद कितने अंक हैं। यदि दशमलव के बाद एक अंक है तो आप उस संख्या को दशमलव हटाकर अंश में लिखेंगे और हर में एक के आगे उतने ही शून्य लगा देंगे जितने की दशमलव के बाद अंक हैं। जैसे कि अभी 0.4 में दशमलव के बाद एक अंक है, इसीलिए हमने इसे 4/10 लिखा। यदि यह 0.04 होता तो हम इसको 4/100 लिखते, क्योंकि इस स्थिति में दशमलव के बाद दो अंक हो जाते। 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। यदि आप 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 ही प्राप्त होगा। अब आपके पास यह प्रश्न एक फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में परिवर्तित हो चुका है, तो अब हम इसे जिस प्रकार आपने फ्रैक्शंस का डिवीजन किया था यानी भिन्नों का भाग किया था उसी प्रकार हल करेंगे। तो इसे हम लिखेंगे 4/10 और इस भाग को हम गुणा में बदलेंगे। तो भाग को गुणा में बदलने के बाद आपने जिस संख्या का आपने भाग देना था उसका रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम अर्थात इनवर्स लिख लेना है। तो 2/1 का व्युत्क्रम यानी इसका रेसिप्रोकल होगा 1/2। यदि हम सामान्य भाषा में कहें कि जैसे ही आप भाग को गुणा में बदलोगे वैसे ही आप भाग के बाद के भिन्न को उल्टा करके लिखोगे। 2/1 है तो इसे 1/2 लिख दिया। 3/4 होता तो इसे आप 4/3 लिख लोगे। अब अंश से अंश को गुणा करेंगे और हर से हर को, तो यह बनेगा 4/1/10/2। अब 2 से 4 कट जाएगा, कितनी बार? 2 बार। अब 2 से 10 कट रहा है लेकिन हम 2 से 10 को नहीं काटेंगे क्योंकि 10, 100, 1000 इन संख्याओं का भाग देना आसान होता है। तो यह बन जाएगा 2×2/10। अब 10, 100, 1000 का जब हम भाग किसी संख्या में देते हैं तो दशमलव क्रमशः 1, 2, 3 स्थान बाईं ओर विस्थापित हो जाता है। तो 10 का भाग देने पर दशमलव एक स्थान बाईं ओर जाता है। तो 2 एक पूर्णांक है। यदि हम इसमें दशमलव लगाना चाहें तो इसे हम 2.0 लिख सकते हैं। तो दशमलव एक स्थान बाईं ओर जाने पर इसका मान 0.2 हो जाएगा अर्थात 0.2। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। इसी प्रश्न को आप अन्य तरीकों से भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें 0.4 में 2 का भाग देना था तो आप 2 का भाग 0.4 में प्रचलित विधि द्वारा भी दे सकते हैं। 2 का भाग 0 में 0 बार जाएगा और 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 मिलेगा। अब आपने दशमलव को नीचे न उतार कर ऊपर भागफल में उतारना है और उतरा 4। अब 2 का भाग 4 में देंगे, 2×2=4, 4 में से 4 घटाओगे तो 0। तो हमें भागफल प्राप्त हुआ 0.2। लेकिन अभी हम सभी प्रश्नों को पहली विधि द्वारा हल करेंगे क्योंकि पहली विधि में आपको दशमलव के भाग की मूल अवधारणा अर्थात बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है। इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम सभी प्रश्नों को पहली विधि द्वारा ही हल करेंगे। प्रश्न का दूसरा भाग है 0.35/5। तो 0.35 को आप भिन्न में बदलेंगे अर्थात इसका दशमलव हटाएंगे तो इसे हम लिखेंगे 35/। अब दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1, 2, 2 अंक हैं। तो आप 1 के आगे 2 शून्य रखोगे तो इसका मान बन जाएगा 35/100/5 को आप 5/1 लिखेंगे। अब दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, 35/100 को वैसे ही लिखोगे और भाग को आप
गुणा में बदलोगे, भाग को गुणा में बदलने के बाद जो भाजक है उसका आपने व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल अर्थात उल्टा करके लिखना है। तो 5/1 को आप 1/5 लिखेंगे। अब हम न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को गुणा करेंगे। अब देखिए 5 से 35 कटेगा 7 बार, ऊपर क्या बचा 7 × 1। 7 × 1 कितना होगा 7/100। अब 100 का भाग आपने 7 में देना है, लेकिन हम इसे भाग नहीं करेंगे बल्कि 10, 100, 1000 के भाग के नियम द्वारा हम इसे हल करेंगे। तो जब 100 का भाग किसी संख्या में दिया जाता है तो 2 अंक बाएं ओर विस्थापित हो जाता है। तो 7 का दशमलव कहाँ पर होगा, इसके अंत में होगा। इसे आप 7.0 भी कह सकते हैं। अब हमें 2 अंक बाईं ओर विस्थापित करना है, बाईं ओर खिसकाना है, लेकिन हमारे पास केवल 1 अंक 7 ही है, तो दूसरा अंक कुछ नहीं है, तो हम उसे 0 लिख सकते हैं। तो 0 लिखने पर 2 अंक अब आसानी से पार हो चुका है। अब देखिए 0 के बाद 0 और 7 2 अंक हो जाएंगे, तो प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 0.07, अथवा इसे आप 0.07 भी लिख सकते हैं, यही प्रश्न का उत्तर होगा। तीसरा भाग है 2.48 में आपने 4 का भाग देना है, तो 2.48 का हम 0 हटाएंगे, तो इसे हम क्या लिखेंगे 248/ बोलिए 10, 100, 1000 क्या लिखेंगे, आपने देखना है 0 के बाद कितने अंक हैं, 4 और 8 2 अंक हैं, तो हम इसे क्या लिखेंगे 100। भाग 4 को आप क्या लिखेंगे 4/1, उसके बाद हम 248/100 को वैसे ही लिखेंगे और भाग को गुणा में बदलेंगे, 4/1 का व्युत्क्रम 1/4 लिखेंगे। फिर अंश से अंश अर्थात 248 से 1 को और हर से हर यानी 100 से 4 को गुणा करेंगे। अब 4 का भाग 248 में देंगे, 4 6 24, 4 2 8, तो यह आ जाएगा 62/100। अब 100 का भाग आप किसी संख्या में देंगे तो 0.2 अंक बाईं ओर जाएगा, अर्थात 0 के बाद 2 अंक होंगे, तो आंसर आ जाएगा 0.62 अर्थात 0.62। चौथा भाग है 65.4 में आपने 6 का भाग देना है, तो 65.4 का यदि हम 0 हटाएंगे, 0 के बाद 1 अंक है, तो यह बनेगा 654/10। भाग 6 को आप लिखेंगे 6/1। अब हम 654/10 को वैसा ही लिखेंगे, भाग को गुणा में बदलेंगे, 6/1 का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल यानी इसका उल्टा 1/6 लिखेंगे। अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर अर्थात 654 से 1 को और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर अर्थात 10 से 6 को गुणा करेंगे। अब हम 6 से 654 को काटेंगे, तो 6 से 654 109 बार कटेगा। अब आपके पास बचा 109 × 1 यानी 109/ नीचे बचा 10, तो 10 का भाग देने में 0.1 स्थान बाईं ओर जाता है, तो इसका मान आ जाएगा 10.9। दिस इज आंसर। प्रश्न का 5वां भाग है 651.2/4, तो आप 651.2 का 0.5 हटाएंगे, तो इसके लिए आपने देखना है 0.1 है, तो आप 1 के आगे 10 बढ़ाएंगे। भाग 4 को आप 4/1 लिखेंगे। अब हम 6512/10 को वैसे ही लिखेंगे, भाग को गुणा में बदलेंगे, 4/1 का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल 1/4 लिखेंगे। अब न्यूमरेटर 6512 से न्यूमरेटर 1 को तथा डिनोमिनेटर 10 से डिनोमिनेटर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 6512 को काटेंगे, यह प्राप्त होगा 1628।
अब हमारे पास बचा 1628 गुणा 1 यानी 1628 बटा नीचे क्या बचा 10। 10 का भाग देना बहुत आसान, दशमलव एक स्थान बाईं ओर जाएगा तो 6228 का दशमलव कहाँ पर होगा, अंत में होगा। तो यहाँ से एक स्थान आप बाईं ओर जाओगे तो कहाँ पहुंचोगे, 2 और 8 के बीच में। तो यह प्राप्त हो जाएगा 162.8। दिस इज आंसर। प्रश्न का छठा भाग है 14.49 में आपने 7 का भाग देना है, तो हम 14.49 का दशमलव हटाएंगे। तो दशमलव हटाने के लिए दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो आप हर में 1 के आगे 2 शून्य लगाएंगे, भाग 7 को आप 7/1 लिखेंगे। अब हम 1449/100 को वैसे ही लिखेंगे, भाग को गुणा में बदलेंगे, 7/1 का व्युत्क्रम 1/7 लिखेंगे। फिर न्यूमरेटर 1449 से न्यूमरेटर 1 को तथा डिनोमिनेटर 100 से डिनोमिनेटर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम 7 का भाग 1449 में देंगे, 7 2 जार 14, 7 का भाग 4 में 0 टाइम जाएगा, बचा 49, 7 7 जार 49। तो अब आपके पास क्या बचा, 207 गुणा 1 यानी 207 बटा नीचे क्या बचा 100। 100 का भाग देने में दशमलव 2 स्थान बाईं ओर विस्थापित हो जाता है, तो 207 का दशमलव इसके अंत में माना जाएगा। तो आप यहां से 2 अंक पार होंगे, तो दशमलव 2 और 0 के बीच में आएगा, तो यह हो जाएगा 2.07। यही प्रश्न का उत्तर होगा। 7वां भाग है 3.96 में आपने 4 का भाग देना है, तो सबसे पहले हम 3.96 का दशमलव हटाएंगे, तो हर में 1 के आगे आप 2 शून्य लगाएंगे क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं, और भाग 4 को आप 4/1 लिख सकते हैं। अब हम 396/100 को वैसे ही लिखेंगे, भाग को गुणा में बदलेंगे तथा 4/1 का व्युत्क्रम 1/4 लिखेंगे। फिर हम न्यूमरेटर 396 से न्यूमरेटर 1 को तथा डिनोमिनेटर 100 से डिनोमिनेटर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4 का भाग 396 में देंगे, 4 9 जार 36, बचा 3 उतरा 6 यानी 36, 4 9 जार 36, तो यह आएगा 99। अब आप 99 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 99, और नीचे क्या बचा 100। अब 100 का भाग देना बहुत आसान, 100 का भाग देने में दशमलव 2 स्थान बाईं ओर चले जाता है, तो 99 का दशमलव इसके अंत में माना जाएगा। आप यहां से 2 अंक बाईं ओर विस्थापित होंगे, तो कहां पर पहुंचेंगे, यहां पर, अर्थात 0.99। तो यह मान आएगा 0.99। तो दशमलव से पहले कुछ नहीं है, तो आप क्या लिख देंगे, 0। दिस इज आंसर। प्रश्न का अंतिम भाग है 0.80 में आपने 5 का भाग देना है, 0.80 का यदि हम दशमलव हटाएं तो इसे हम 80 लिखेंगे, बटा 1 के आगे हम 2 शून्य लगाएंगे क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं। अब भाग 5 को हम 5/1 लिखेंगे, 80/100 को वैसे ही रखेंगे, भाग को गुणा में बदलेंगे, 5/1 का व्युत्क्रम अर्थात रेसिप्रोकल 1/5 लिखेंगे। अब हम न्यूमरेटर 80 से न्यूमरेटर 1 को और डिनोमिनेटर 100 से डिनोमिनेटर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 5 का भाग 80 में 16 बार जाएगा, 16 5 जार 80 होता है। अब हमारे पास क्या बचा, 16 गुणा 1 यानी 16/100। 100 से आप 16 में भाग करेंगे तो 100 का भाग देने में दशमलव 2 स्थान बाईं ओर जाता है, तो यह प्राप्त हो जाएगा 0.16 अर्थात 0.16। यही प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद।
प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।